हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लव लाइफ। हम चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपकी स्टोरी लाइन हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई और रीडिंग देख लें। मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं और मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आपसे रेजोनेट कर सकती हूँ। ठीक है, हम इसको क्लारिफायर के लिए ले लेंगे। चलो, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस लव लाइफ को लेकर। सबसे पहले हम ये देखते हैं, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सब अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सब अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें प्लीज एंड जिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। वेट, देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी हो सकती है, सेपरेटेड रीडिंग भी हो सकती है, और आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज एंड जिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या चल रहा है, और आपके पर्सन इस सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। The Emperor, The World, आपके पर्सन चार्ज लेने का सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप का, जो पास्ट में उन्होंने कभी लिया नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज़ हैं, उनके सामने अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये लव वाइज हो सकते हैं, फाइनेंशियल कैरियर वाइज हो सकते हैं, फैमिली वाइज हो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका अभी जो ध्यान है वो कैरियर में है। ठीक है, दी मून, इल्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ और एक न्यू साइकिल बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, अभी ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहे हैं। अभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो उनको देखकर कि ये पर्सन तो अपनी ईगो में बैठा है। आपके पर्सन आपको सिक्स ऑफ कप, एक सोलमेट की तरह देखते हैं। ठीक है, उनकी जो नज़र है वो पास्ट को सोच रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, और वो कन्फ्यूज़ हैं, उनको नहीं पता ये साइकिल दोबारा रिवाइव हो सकती भी है या नहीं। फाइव ऑफ वेंट्स, ऐसा हो सकता है उन्होंने पास्ट में किसी और जगह बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे हैं, इसकी वजह से आप दोनों के बीच ये सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, उनको पता है आप उनके सोलमेट हैं, उनको रियलाइजेशन है, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जितने परफेक्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और कोई इतना परफेक्ट हो नहीं सकता उनके साथ। ठीक है, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अपनी और भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें सेटलमेंट करके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वो वर्क पुट ऑन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हैं पास्ट की लड़ाई को लेकर, आपकी तरफ मूवमेंट करने में कन्फ्यूज़ हैं। उनको नहीं पता इस वक्त आपकी तरफ की क्या स्टोरी है, आप इस सब चीज़ों को स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं या नहीं। आप कंफ्यूज स्टेट में तो नहीं है, आपके पर्सन ये सब सोच रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इतने अपने पर्सन के लिए ऐसे नहीं रहे कि जो पास्ट में थे, आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद टू स्टेट में खड़े हुए हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ जाना भी चाहिए अगर ये आए या नहीं। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ वो आए या नहीं। ठीक है, आप दोनों एक मिरर कर रहे हैं, एक साइकिल को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ये लग रहा है, क्योंकि अब जो ये साइकिल स्टार्ट होगी आप दोनों एक सेम पेज पे होने चाहिए, इसलिए ये साइकिल एक न्यू स्टार्ट होगी। क्लारिफाई सिक्स ऑफ कप्स, वेट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक कार्ड चाहिए। ठीक है, क्लारिफाई सिक्स ऑफ कप्स, क्लारिफाई सिक्स ऑफ कप्स,
डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है, आपके पर्सन को इस बात का पता है, टू ऑफ कप्स आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पर्सन की नज़रिया आपके ऊपर है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ है। और देखें इक्वली टू ऑफ कप्स से इक्वली ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ इक्वली लव एक्सचेंज कर रहा है, कब एक दूसरे के साथ एक जैसे कब एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे बाउंड है, यहाँ पे ये पर्सन इस पर्सन को एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंफर्टेबल उसको फील करवा रहा है। लेकिन जब तक आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगी ना, ये जितना भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है इसका ये जोन ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप दोनों को इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो आप लोगों को क्लियरली एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए हर बात। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल। कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आने में, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, ये कुछ उनको कार्मा रिटर्न बैक मिला है जो उन्होंने पास्ट में आपको दिया था। आपके लव लाइफ में जो चल रहा है आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ये कार्मा मैंने स्टार्ट किया था और ये इसने मेरे पर आकर एक चीज़ एंड हो चुकी है, ये कार्मा था जो मुझे मिला है। ये सब ये आपकी तरफ से अगर ये ख़त्म भी होगा तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हीं की वजह से ये स्टार्ट हुआ था, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ ख़त्म होगा, उन्हीं की वजह से रिलेशनशिप नहीं मैस स्टार्ट हुआ था। कभी भी उन्होंने इतना वर्क पुट ऑन किया ही नहीं कि इक्वली ये बैलेंस हो पाता कभी रिलेशनशिप, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं इस साइकिल को अपनी तरफ से ख़त्म करके, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स प्लीज, माय रिसर्च स्पीड गाइड मुझे बताइए यहाँ पे फाइव ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं इतना आर्ग्यूमेंट्स होने के बावजूद, क्योंकि वो उनके पास बहुत कप ऑफ किंग ऑफ कप, आपके पर्सन बेहद एक इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, वो वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का आपकी तरफ आने के लिए। देखें दी लवर, आपके पर्सन आपको हाई लेवल ऑफ सोलमेट समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इस पर्सन को जाने नहीं दे सकता, पास्ट में उन्होंने चाहे आपके साथ किसी भी तरीके का बिहेवियर किया है, वर्क पुट ऑन नहीं किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपको वो जितना ही एक होल्डिंग पोजीशन में रहे हैं, आपके पर्सन आपको इस वक्त ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हो सकते हैं, आपको लग नहीं रहा उनको देख कर के वो कोई भी चीज़ इधर यहाँ पर एफर्ट या काम करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप को आगे मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, देखिए फाइव की एनर्जी एक्सचेंज, एक यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके मेंटली गेम से थक चुके हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इस स्टकनेस से निकलना चाह रहे हैं, जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे, मैस क्रिएट होता रहा, कंफ्यूज रहे, उन्होंने खुद तो उन्होंने सफ़र किया ही किया है, आपको भी सफ़र करवाया है अपनी कन्फ्यूजन में, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस में, अपने मेंटली स्टेट में, अपने डिसीजन ना लेने में उन्होंने आपको भी सफ़र करवाया है इतना ही। लेकिन अब आप थक चुके हैं, आप इनफ, आपका एंड हो चुका, आप नहीं चाहते ये, अब आप और कुछ करें, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई ना कोई एक स्टेबल अपनी ज़िंदगी में ऑफ़र रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप रिसीविंग मूड पर आ चुके हैं, पहले आप रिसीविंग मूड पर नहीं थे, आपने अपने पर्सन को दिया ही दिया है। दी हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप 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 कॉन्टम्प्लेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में इस वक्त ये चल रहा है, वेटिंग पोजिशन चल रही है, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को देखकर ऐसा समझ रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने ही एक दुनिया में मसरूफ़ हैं। हम देखते हैं यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड क्यों है, प्लीज़ माय डिसाइड स्पीड गाइड मुझे बताएं यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई एम्परर। नाइन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं अपनी, उनको ऐसा लग रहा है आप उनकी कंप्लीट विश हैं,
वो आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, जब उन्होंने इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करा है। एट ऑफ कप्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं रहे उनमें। क्लैरिफाई द वर्ल्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं उनका। आप वेट करना, अगर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक्शन हो, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने फोर ऑफ कप पास में ये रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ सेवन सेवन की एनर्जी, सेवन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपके पर्सन एक वेटिंग पोजीशन पे हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो स्टेप यूँ नहीं लेना चाह रहे। पास में उन्होंने इस ऑफर को कई बार रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स दी वर्ल्ड को एक साइकिल को न्यू स्टार्ट करने के लिए वो आपसे ही होप कर रहे हैं, ये साइकिल दोबारा आप ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विश कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ और इस साइकिल को एक दोबारा आप उनसे कहें कि इस साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर दें। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स को किया है फाइव ऑफ वैंड्स, उनको पता है बहुत ज़्यादा मैस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। अगर आपके पर्सन खुद से जाएंगे तो आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है। नाइन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप सिंगल हैं और अपने अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक अच्छा कर रहे हैं जो पास में आप कभी भी इनसे अलहदा रह के कर नहीं पाए। इसलिए आपके पर्सन को आपकी अब एक ऐसा लग रहा है कि अब आपको खोने का डर महसूस हो रहा है, जो कभी भी नहीं हुआ पास में, वो कभी भी पजेसिव नहीं थे आपके लिए, तो अब उनको पजेसिवनेस फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ तो कोई भी आ जाएगा, आपकी तरफ तो कोई भी स्टेप ले लेगा, क्योंकि आप इतने कम्प्लीट पर्सन हैं, आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले लेगा। फाइव ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने पास में मेंटली गेम करे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस क्रिएट करी, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक मिसबिहेव की उस स्टेट में रहे आपके पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगा था वो आपको डिसेप्टिव पॉइंट पे रखकर और अपनी ज़िंदगी को आसानी से वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वो जहाँ भी गए उनको इससे भी बुरे तरीके से उनको हार मिली है। डेथ, हर जगह यहाँ पर उनको एंडिंग मिली है, उनको यहीं पर ही वर्क करना था जो उन्होंने पास में समझा नहीं। उनको ये हो रहा है कि मैंने उस इंसान को बैकस्टेप किया जो जिसके पास मेरे को वापस आना था। वो शर्मिंदगी की वजह से, एक एम्बेरसमेंट की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे अभी भी। वो वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं ये साइकिल न्यू आप स्टार्ट करें, लेकिन वो इस बार इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करेंगे। उनके माइंड में ये चल रहा है, अगर ये आ जाता है पर्सन, मैं इक्वल गिव एंड टेक कर लूँगा, वरना मैं किस मुँह से जाऊँ इस पर्सन के पास। ठीक है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप, आपके पर्सन आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं फ्रेंडशिप का, एक दफ़ा दोबारा रीयूनाइट होने का। इट मीन्स अगर आप वो आपके मूड को देखेंगे, अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा एक कड़वा हुआ, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं आए तो उनको जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपसे दूर होकर, क्योंकि उनको अब फील हो रहा है कि जो कभी बाद में फील नहीं हुआ। आप थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पर आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं दी चैरियट के साथ, वो आपकी तरफ एक मूवमेंट करना चाहते हैं। उनको ये हो रहा है कि आप अब मूव हो गए तो आप वापस नहीं मिल सकते उनको लाइफ में कभी भी। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ स्वैंड, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, वो सोच रहे हैं आप हद से ज़्यादा आपने पर आप काम कर रहे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बन चुके हैं आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मिरर, वेट, हैंगमैन, आपके पर्सन इस स्टक सिचुएशन को आगे मूव करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब चीज़ें आगे की तरफ मूव करें, ना कि इन पर ही स्टक रहें। ठीक है, इस हैंग सिचुएशन को निकालना चाहते हैं इस पोजीशन से। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज माई स्प्रिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे फाइव ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है।
क्लैरिफाई फाइव ऑफेंस, क्लैरिफाई फाइव ऑफेंस, यहाँ पे आया है टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन, नहीं जजमेंट है, जजमेंट आपके पर्सन जजमेंट चाहते हैं कि ये आप जजमेंट चाह रहे हैं इधर, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट के साथ आप जजमेंट चाह रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, आपको ये है कि जो भी कुछ हुआ आपके साथ पास्ट में आपको यहाँ पे जजमेंट प्रोवाइड करे यूनिवर्स, ठीक है, आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंट्स, प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंट्स, कन्फ्यूज हैं आप अपने पर्सन को लेकर, आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो आपके माइंड में ये बना हुआ है कि आप कन्फ्यूजन में हैं, जहाँ कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं आप तो खुद अपने पर्सन को लेकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, आपको उनकी तरफ उनको आप हाँ देखें क्लैरिटी नहीं है, एस ऑफ सूट, आपको उनको लेकर क्लैरिटी नहीं है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, एस ऑफ पेंटिकल, अगर आपके पर्सन आपको कोई वो एक पेंटिकल भी आपको प्रोवाइड करेंगे तो आप उनसे पहले क्लैरिटी मांगेंगे इस चीज़ की, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, क्या डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, क्या डिसीजन लेंगे आपके पर्सन, प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए आपके पर्सन क्या डिसीजन लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। बिल्कुल एस ऑफ फ्रेंड, एक बिगनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, वो मिस कर रहे हैं आपको। फोर ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं पूरी सिचुएशन को, वो आपको नहीं बताना चाह रहे अभी कि उनको क्या फील हो रहा है। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, विक्ट्री चाहते हैं, हर हाल में विक्ट्री चाहते हैं सिचुएशन पे, वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग की, किस चीज़ में कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ में कंफ्यूज हैं आपके पर्सन, प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन किस चीज़ में कंफ्यूज हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, हैंग आपके पर्सन मून, आपके पर्सन बेहद आपके लिए एक डीप 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 इमोशंस फील कर रहे हैं और अपने अपनी हर चीज़ को आपके पर्सन जो है ना रियलाइज़ कर रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, ठीक है, वो एक एक हर चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, लवर आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कोई ना कोई पेंटिकल प्रोवाइड करना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, पास्ट के लॉस से इस रिलेशनशिप को निकालना चाहते हैं, जहाँ जिस स्टकनेस पे ये स्टक हुआ हुआ है उधर से इस रिलेशनशिप को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये और कुछ टाइम यहाँ पे स्टक रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में है और यही सोच रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन फाइव ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन इस इन सब चीज़ों को एक कामर वाटर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रक्चर से निकलना चाहते हैं। देखिए उनको भी पता है डी डेविल, ये पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और ये पास्ट में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, या देखें अपनी टॉक्सिसिटी को आपके पर्सन हर्मिट पोजीशन से रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या क्या उनके अंदर टॉक्सिसिटीज थी, उन्होंने कितना टॉक्सिक बिहेव किया इस पूरे रिलेशनशिप में। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस होगी इस पूरी उसमें, आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन उनको फुली तरीके से रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उनके माइंड में ऐसा है कि आप मूवमेंट कर लें कोई ना कोई एक साइकिल की बिगनिंग दोबारा आप कर लें, वो इक्वल गिव एंड टेक तो कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर अब पास्ट में जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेव करा, जो जिस मिस बिहेवियर उन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ रखा, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा, रिस्पेक्ट नहीं करा, तो वे सब कुछ सोच रहे हो किस मुँह से आपकी तरफ मूवमेंट करें, आपको पावर में देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको कुछ कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी मिल जाएगा आपको, आप पहले भी उनके लिए अच्छे थे लेकिन अब कहीं ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, जिस जैसे कि वो अपनी कन्फ्यूजन में फंस जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था उनका उनके लिए काउंटर पार्ट कौन सा होना चाहिए, उनके लिए उनका पार्टनर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, वो सारी खूबियाँ आप में वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। पास्ट में टॉक्सिसिटी उन्होंने फैलाई हुई थी, उनकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट होता रहा, उनकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती रही पूरे रिलेशनशिप में, क्योंकि वो कन्फ्यूज थे, उन्होंने आपको उठा के बिल्कुल हिला के रख दिया, क्योंकि जब इंसान
मैनिपुलेटिव एक स्टेट में होता है, उसको खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए, तो वो सामने वाले को कंफ्यूज करके रख देता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपनी अपनी प्रोजेक्शन आपके ऊपर की, अपना अपना अक्स वो आप में देख रहे थे, मिरर कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि सिचुएशन में चल क्या रहा है। उन्होंने इतना मैस क्रिएट करा। अब आपके पर्सन को माइंड में ये है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, इन सब चीज़ों को इन, क्योंकि आपके पर्सन अब डिसीजन लेने के मूड में हैं और डिसीजन कर रहे हैं, वो आपका वेट तो कर रहे हैं साथ साथ अपने डिसीजन मेकिंग को भी कर रहे हैं। जब तक उनका डिसीजन मेकिंग रेडी हो गई और आप नहीं आए, वो खुद मूवमेंट लेंगे, तो आपको मूवमेंट ले, आपको नहीं मूव करना, आपको अपने थ्रोन पे बैठे रहना। जैसे आपके पर्सन एक एम्परर तो बने हुए हैं लेकिन विश उनकी आप ही बन चुके हैं, ठीक है। वो ईगोइस्टिक हुए हुए हैं लेकिन वो ईगोइस्टिक यूँ हुए हुए हैं, इनका पास्ट का पैटर्न है एक ईगोइस्टिक वे में बैठना और आपको जो है ना अट्रैक्ट करना, कि जैसे कि आपके अंदर डर हो खोने का। जैसे वो तो अपना चिल आउट आपको दिखा रहे होंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप मूव करेंगे, आपकी तरफ से मूवमेंट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। पहले हम ये वाले कार्ड को हटा लें, फिर मैं देखूँगी आपके लिए क्या एडवाइस है। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज माइंड सेंस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ माइंड योर सन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, इनको पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ माइंड योर सन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। न्यू बिगनिंग, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपने नहीं करनी, आपके पर्सन करेंगे, आपके पार्टनर करेंगे। मैंने आपको वहाँ कहा कि वो वेट कर रहे हैं। पार्टनरशिप एंड अलाइंस फ्रॉम फाउंडेशन, आपके पर्सन को स्टेप लेना ज़रूरी है। चाहे आपको जितना वेट करना पड़ा, आपको ऐसा लग रहा है, आपको इस वक्त देखने से ऐसा लग रहा होगा कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, वो करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन जब ही फाउंडेशन मजबूत होगी, जब फर्स्ट स्टेप आपके पर्सन की तरफ से होगा इधर न्यू बिगनिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड भी है और ये पर्सन इस एक न्यू बिगनिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके टैरो में निकला था वो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस कार्ड में भी है। Oracle मिली है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा आप लोग सफ़र कर रहे हो सकते हैं, आपके पर्सन खुद सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंस है। इमोशनल विड्रॉल, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉवल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इमोशनली लॉस में है। क्लारीफाई यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलाइंस। देखें मेमोरीज ऑफ लव, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन को, इसलिए यूनिवर्स इस स्टेट में डाल रहा है ताकि आपके पर्सन को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है जिसमें इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, पास्ट में भी और अभी भी। लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और मूव ऑन, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से, आपकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइलेंस मूड पे रहना है, आपको अपने आप को हील करना है। ये फर्म फाउंडेशन जब बनेगी, जब आपके पार्टनर आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे, सही है, अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकलेंगे। आप अभी भी जाके उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपको इस तरीके से, वो आपके साथ बात तो करेंगे लेकिन वो आपको इस तरीके से अपनी कन्फर्मेशन उनको खुद डिसाइड करने दें क्या सही है क्या गलत है, क्या उनको स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उनको अपनी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने दें, जो उनको डिफीट्स मिली हैं उनको वहाँ से निकलने दें। यहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों ने डिफीट दी है। मेमोरीज ऑफ लव, उनकी यादें सिर्फ आपके साथ क्रिएट हुई हैं और किसी और के साथ नहीं। सफरिंग इन साइलेंस, वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को इस साइलेंस मूड में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और मूव ऑन करेंगे अपने कम्फर्ट जोन से, जहाँ से वो निकल नहीं रहे। न्यू बिगनिंग होने वाली है। पार्टनरशिपिंग एंड अलाइंस, सब कुछ एक अलाइनमेंट में आने वाला है, फर्म फाउंडेशन के साथ आएगा। अदरवाइज ऐसे फिर दोबारा ही कोई प्रॉब्लम होगी, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पर्सन कोई स्टेप नहीं लेते, आप जाके ले लेते हैं, आप बात तो कर लेंगे लेकिन उनको खुद से क्लैरिफाई होने दें, उनके माइंड को क्लियर होने दें कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे, इस सिचुएशन से क्या चाह रहे हैं। उनको उनको उनको
आपकी वैल्यू का अपनी लाइफ में पता चलना चाहिए। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।